हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ शूट में और आई होप आज शूट ख़त्म हो जाए, क्योंकि यार दिन में सोने का टाइम है फिर थक भी रह जाती है यार। शाम को भी आजकल आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ तो शाम को भी दौड़ना पड़ रहा है, और सुबह कभी भी टाइम मिल जा रहा है तो सुबह भी दौड़ दे रहा हूँ। तो इसलिए अभी शूट करने चलते हैं यार, मौसम भी ठंडा हो रखा है। तो होप आज शूट कंप्लीट हो जाए और एक दो दिनों के अंदर आपके लिए भी नई वीडियो आ जाए। द पहाड़ी परिंदे चैनल देखें हमारा। तो मैं निकलता हूँ अब घर से। आजकल रोड दोस्तों, तो आजकल रोडों की कंडीशन कुछ ख़राब हो रखी है। इधर साइड तो ठीक है, पर थोड़ा मेन मार्केट की संबरी से आगे वहाँ पर ठीक नहीं है, और आसमान की तरफ से काले बादल दिख के आ रही है स्कूल की बस। तो यहाँ पर मैं पांडे भाई के घर के नीचे हूँ, और अभी पांडे भाई सो रखे थे क्योंकि परसों ये ट्रिप में गए थे, 2 दिन की ट्रिप में। तो अभी उसकी थकान लगी है, पर नींद तो मुझे भी आ रही थी। फिलहाल आज शूट करेंगे। तो गाइस, अभी हम आ रखे हैं इंटर कॉलेज, और गेट तो खुला रहता नहीं है, शाम को भी खुला नहीं रहता है। तो इसलिए जितने भी बच्चे यहाँ रनिंग करने आते हैं वो सब दीवार टाप के आते हैं, और आज पांडे भाई भी दीवार टाप के। पांडे भाई पता नहीं कितने सालों बाद यहाँ आ रहे होंगे। और हमारा ग्राउंड जो मैं आपको हमेशा दिखाता ही हूँ, कम से कम 4-5 व्लॉग छोड़ के आपको मैं अपना ग्राउंड दिखाई देता हूँ, और वो हमारा ग्राउंड है। आजकल वहाँ पर घास मारने की दवा डाल रखी है, तो इसलिए आजकल वैसे तो हो गया होगा क्योंकि 5-6 दिन हो गए घास वो दवाई डालते हुए, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर साफ हो गया है। और ये इंटर कॉलेज के पीछे यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट तो काफ़ी यहाँ पे काम हुआ है, ऊपर टीम भी लगा दी, कम से कम 1.5 लाख का खर्चा। इसलिए मेरे भाई लोग 10 बजे तक खेलते रहते। हाँ, यहाँ पे 10 बजे तक खेलते रहते आपके भाई लोग, अमित भाई, परसों अरुण भाई भी आए थे ना। मैं नहरा लग रहा है, थोड़ी बहुत बारिश की छींटे पड़ रहे हैं ना। अरे सब बंद है यार, अब मैं वो शूटिंग के लिए बहुत मस्त हो गया जगह, वैसे छुपे वो करने के लिए नहीं ऊपर। हाँ, तो पांडे भाई ने सोचो को कि इधर शूट करेंगे अपना, तो इधर पर इधर तो आप देख ही रहे हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। यही मैंने अपने यूट्यूब की स्टार्ट करी थी, यहीं से, याद है आपको? यहाँ पर हम वो बहुत पहले वो उनका चैनल था, क्या था उनके चैनल का नाम? OMG कोट द्वार। अब तो कोई भी नहीं आता, अब बारिश की छींटे भी पड़ रहे भैया। हाँ, कैसा वाला भूत वाला? नहीं, वैसे भी कुछ मतलब हर तरफ गाजर घास, गाजर घास ही। और देखो उधर तो दवाई छिड़ी है, अब तो हो गया होगा वैसे तो, दो बारिश पड़ गई। ये बिल्डिंग अब बहुत जल्दी गिरने वाली है, ऊपर से टेढ़ी हो गई, उधर सीढ़ी साइड से देखना जरा, टेढ़ी हो गई है बिल्डिंग हल्की हल्की सी। इसको तो तोड़ने की बात कर रहे थे। पर यहाँ पर एक ऊपर वहाँ पर नहीं है बैठने के लिए, ऊपर वो वहाँ पर, वहाँ पर से बड़े मैच दिखते हैं क्रिकेट चाहे फुटबॉल। देखो ऊपर से वहाँ बैठने में बहुत, ये देखो हम तो टूटने वाला बहुत जल्दी, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा ना कुछ यहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ें देखने के लिए आया हो। किला, अरे बारिश आ गई, ये देखो गाजर, ये हो गया इधर लंडे, क्रिकेट व्रिकेट खेल रहे थे। कहाँ करें फिर बताओ, नीचे वाले ग्राउंड में? और फाइनली बलोनी भाई भी आते हुए, ये शेर मेरे बलूनी भाई के चाहने वाला बलूनी भाई को चप्पल चोरों की तरफ से। स्कूल थी, मैंने यहाँ कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पढ़ा, 9 तक पढ़ा, 9 के बाद 4 साल बाद फिर एडमिशन लिया, तब 11 में पढ़ा, 12 में पढ़ा, फिर पढ़ता गया, BA में भी पढ़ा रहा, उसके बाद नहीं पढ़ा। ओ हाँ, अभी भी घर से पढ़ के आया हूँ मैं। जरा अपना कुछ सामान भूल गए थे स्कूटी में, इसलिए दोबारा इधर आना पड़ा। तो अभी बारिश के छींटे पड़ रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अगर बारिश तेज आएगी तो आज भी शूट कैंसिल करना पड़ सकता है, अभी देखते हैं। अभी तो थोड़े थोड़ा पड़ रहा छींटे, तो इसमें हम कर सकते हैं शूट अभी, कोई कोशिश यही रहेगी कि आज निपटा दें, क्योंकि बहुत दिनों से अटका हुआ था एक ही सीन, एक ही सीन कम से कम 3-4 दिन से लटका हुआ है। तो अभी हम चलते हैं पीछे की साइड, बलूनी भाई और पांडे भाई। यहाँ पर ऊपर बैठ के हम मैच का लुत्फ़ उठाते हैं, और वहाँ से अलग ही व्यू आता है देखने का, और बहुत ही बड़ा ग्राउंड है किशनपुरी का।
गेटअप चेंज हो रहा है इधर। बलोनी भाई अभी आपको इनका रोल देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में द पहाड़ी परिंदे चैनल में, और बहुत ही अच्छा रोल है इनका इस बार। तो अभी बता नहीं सकते कि बलोनी भाई किस चीज़ का कैरेक्टर कर रहा है अभी, आप वीडियो में ज़रूर देखना और इनका चैनल भी जरूर देखना, बलोनी फिटनेस एंड बलोनी फिल्म्स। बलोनी फिल्म्स पे ज़्यादा फोकस है। कोई बात नहीं। हाँ तो एक सीन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो लगभग 10-15 मिनट में हमारा एक सीन कंप्लीट हो गया है और अब सेकंड सीन स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं जो भी स्टार्ट शुरू करता है पहले। कभी धूप निकल रही है, कभी छाया हो रही है, मौसम कुछ भरोसे नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले बारिश हो रही थी, तो अब लग रहा है ये सीन हम अभी जल्दी ख़त्म कर देंगे। इसके बाद देखते हैं कुछ छोटा मोटा सीन और बचौतों से भी आज ही निपटा देंगे, और फिर एडिटिंग क्या पता आपके पास 2 या 3 दिन में आपके पास वीडियो आ जाए। ठीक है डालो, पता है मना लो जितनी खुशी मनानी है, अगली बार मैं तुम्हें अपने गुलाम भी बनाऊंगा। लगभग शूट कंप्लीट हो गया है, लास्ट सीन बस अब थोड़ा सा रह गया बलूनी भाई के 2 डायलॉग। तो दोस्तों फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हो गया है, और एक ही सीन 3-4 दिनों से लटका हुआ था, और बलूनी भाई जो इसमें इस वीडियो में काफ़ी बड़ा रोल इनका और पांडे भाई और मेरा, ज़्यादातर हम 3 इसमें मैंने यार एक आध छोटे मोटे कैरेक्टर भी आपको दिख जाएंगे इस वाले वीडियो में। तो पहाड़ी परिंदे चैनल को एक बार जरूर देखना और अपना प्यार मेरे व्लॉग चैनल में भी। और वैसे एक कहानी थी, वैसे एक कहानी कचरा भुवन और जमींदार की है, और कचरा की लुगाई जिसके चारों तरफ ये कहानी घूमी गई है। हाँ तो पहाड़ी परिंदे की लुगाई नहीं होती तो शायद ये वीडियो बन नहीं पाती। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो पहाड़ी परिंदे चैनल में देखना, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो है और बहुत सारी वीडियोस में मैंने काम किया है, तो देखना आप जरूर। और बलूनी भाई का चैनल को भी देख लेना, बलूनी फिल्म्स। जानता हूँ क्या अभी ने किशनपुरी में सबसे पहले मोमो लाने वाले और जिम 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 की दुकान लाने वाले, फटे मोमो की याद आ देगा भी खबर।